Assalamu alaikum everyone, hope you all are fine and doing well. Welcome back to my YouTube channel. My name is Saleha Zahoor and the topic which I'm going to discuss today is individual seller account versus professional seller account. तो जब भी Amazon पे कोई seller register होता है तो उसके पास दो options होते हैं, individual seller account के register होने के या फिर professional seller account पे register होने की. तो अब हम देख लेते हैं कि इनका basically difference क्या होता है. जब इन दोनों प्लान्स को आपस में कंपेयर किया जाता है तो बेसिक इनका जो डिफरेंस आता है वो सबसे पहले तो फ़ी के ऊपर आता है. जो इंडिविजुअल सेलर अकाउंट होता है वहाँ पे पर आइटम सोल्ड जब होता है तो 0.99 डॉलर की डिडक्शन होती है पर आइटम सोल्ड पे. अगर हम प्रोफेशनल सेलर अकाउंट की बात करें तो वहाँ पे जो एक मंथली सब्सक्रिप्शन है विच इन दिस फी इज़ 39.99 डॉलर पर मंथ, तो यहाँ पे पर मंथ फी डिडक्ट होती है प्रोफेशनल सेलर अकाउंट में. इंडिविजुअल सेलर अकाउंट में पर आइटम सोल्ड पे फी डिडक्ट होती है और इनकी रेंज पे डिफरेंट है 0.99 डॉलर इन केस ऑफ इंडिविजुअल सेलर अकाउंट एंड 39.99 डॉलर इन केस ऑफ प्रोफेशनल सेलर अकाउंट. अब देख लेते हैं कि अमेज़ॉन इंडिविजुअल सेलर्स के प्लान किन लोगों के लिए होता है. अगर एक सेलर है और वो सिर्फ उसकी जो आइटम्स सोल्ड हो रहे हैं वो 40 यूनिट्स हैं पर मंथ के, 40 यूनिट्स या फिर उससे लेस हैं उसकी सेल्स हो रही हैं यूनिट की या प्रोडक्ट उसकी सेल हो रही हैं, तो फिर उसको अमेज़ॉन इंडिविजुअल सेलर अकाउंट के अंडर रजिस्टर होना चाहिए. और ये इसलिए भी बेटर है कि आपको मंथली सब्सक्रिप्शन जो अमेज़ॉन की होती है 39.99 डॉलर्स वो आपको पे नहीं करनी पड़ती है. जस्ट आपको जब भी आपका कोई प्रोडक्ट सेल होगा तो पर प्रोडक्ट पे आपको 0.99 डॉलर पे करना पड़ेगा, वो डिटेक्ट होगा आपका. लेकिन जो मंथली सब्सक्रिप्शन है 39.99 डॉलर्स वो नहीं होगी, डिटेक्ट नहीं होगी. और अमेज़ॉन सेलर इंडिविजुअल सेलर प्लान उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो अभी थोड़ा सा एक बिगिनर स्टेज पे हैं और वो चाहते हैं कि वो अमेज़ॉन सेलर डैशबोर्ड से थोड़ा सा उसकी एक्सेस को गेन करें और उसको समझ लें कि व्हाट आर द फंक्शनैलिटीज़ और कैसे एक सारा काम होता है. तो उनके लिए अच्छा है कि इंडिविजुअल सेलर प्लान के अंडर पर रजिस्टर हों क्योंकि वो अभी एक बिगिनर लेवल पे हैं और मोर ओवर उनकी सेल्स भी इतनी नहीं है. 40 यूनिट्स की एक थ्रेश होल्ड है जहाँ तक वो जा सकते हैं, इससे आगे वो एक्सीड नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा वो सेलिंग नहीं कर सकते अगर कोई सेलर अमेज़ॉन इंडिविजुअल सेलर प्लान के अंडर रजिस्टर है तो. और इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या चाहिए होता है. सबसे पहले तो आपको बिजनेस एंड कॉन्टैक्ट एड्रेस आपका लाजमी चाहिए होता है. जब भी आप ये अकाउंट इस अकाउंट के रजिस्टर करवाते हैं देन आईडी प्रूफ, योर बैंक स्टेटमेंट, योर बैंक नंबर यानी कि जो आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, देन इंटरनेशनली चार्जेबल क्रेडिट कार्ड इज़ रिक्वायर्ड, आईडी प्रूफ वगैरह, टैक्स इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं. बट LLC और LTD इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होती है बिकॉज ये अमेज़ॉन इंडिविजुअल सेलर प्लान है, इसके लिए LLC LTD रिक्वायर्ड नहीं होती है. अब हम बात कर लेते हैं कि प्रोफेशनल सेलर अकाउंट क्या होता है. अगर कोई सेलर है और उसकी मंथली सेल्स 40 प्रोडक्ट से या 40 यूनिट से एक्सीड कर गई हैं तो फिर उसको प्रोफेशनल सेलर अकाउंट पे मूव करना होता है. और क्योंकि उसकी सेल इंक्रीज़ हो गई और जो थ्रेशहोल्ड है उसे एक्सीड कर गई है तो फिर उसको प्रोफेशनल सेलर अकाउंट पर शिफ्ट होना होता है. उसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है और फिर उसकी जो मंथली फ़ी है वो चेंज मंथली फ़ी उसको पे करनी पड़ती है विच इज़ 39.99 डॉलर्स मंथली सब्सक्रिप्शन हो जाती है. और वो जो पर आइटम सोल्ड पर फ़ी डिडक्शन होती थी वो ख़त्म हो जाती है, वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है. प्रोफेशनल सेलर अकाउंट की अगर हम बात करें, इसके क्रिएशन के लिए हमें LLC LTD रिक्वायर्ड होती है विच इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और लिमिटेड कंपनी, और उसकी इन्फॉर्मेशन भी रिक्वायर्ड होती है. बाकी तो आई थिंक सारी रिक्वायरमेंट्स सेम ही होती हैं, बट इसके लिए हमें कंपनी की भी ज़रूरत होती है, वो रिक्वायर्ड होती है. अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि जब कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जो गेटेड होती हैं, कुछ अनगेटेड होती हैं. अब प्रोफेशनल सेलर अकाउंट में एंड इंडिविजुअल सेलर अकाउंट में कुछ कैटेगरीज तो कॉमन होती हैं जहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, उन कैटेगरीज के अंडर आप प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं. बट जो सेलर्स प्रोफेशनल सेलर अकाउंट के अंडर रजिस्टर हुए हुए होते हैं उनको 10 बोनस कैटेगरीज की एक्सेस भी मिलती है विच आर कलेक्टेबल कॉइन्स, स्पोर्ट्स कलेक्टेबल्स, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक प्रोडक्ट्स के अंडर आप सेल कर सकते हैं, कैटेगरी के अंडर वॉचेस एंड बुक्स, कलेक्टेबल्स, फैशन ज्वेलरी, ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एसेसरीज, B2B बिजनेस प्रोडक्ट्स और कुछ सर्विसेज ऐसे प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं. तो ये मैंने कैटेगरीज इनलिस्ट की हुई हैं, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं. तो ये 10 बोनस कैटेगरीज होती हैं जिनकी एक्सेस मिलती है सेलर जो प्रोफेशनल सेलर अकाउंट के अंडर रजिस्टर हुए होते हैं सेलर्स.
फिर हम बाय बॉक्स की बात कर लेते हैं, तो बाय बॉक्स विन करने की भी जो एक एक बड़ा एडवांटेज है, ये उन्हीं लोगों को, उन्हीं सेलर्स को मिलता है जो प्रोफेशनल सेलर अकाउंट के अंडर रजिस्टर हुए हुए होते हैं। और जैसे आप सब जानते हैं कि बाय बॉक्स क्या होता है, बाय बॉक्स इज द सेक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज दैट अलाउज बायर्स टू ऑटोमेटिकली एड योर प्रोडक्ट टू देयर शॉपिंग कार्ट। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये बाय बॉक्स ऐड टू कार्ट ये आ जाता है, ठीक है। एंड देन साथ फ्री शिपिंग भी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। बाय बॉक्स प्राइस फ्री शिपिंग इधर इंक्लूड हो जाती है। तो ये बाय बॉक्स विन करना भी एक ह्यूज एडवांटेज होता है, उसकी एलिजिबिलिटी उन लोगों को मिलती है जो प्रोफेशनल सेलर अकाउंट के अंडर रजिस्टर हुए हुए होते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग की, या पीपीसी एड्स और स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग जो होती है, एड्स रन होते हैं वो भी पीपीसी और जितने भी स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग है, ये भी एक बड़ा एडवांटेज है क्योंकि इससे कन्वर्जेंस रेट बढ़ जाता है। और मैक्सिमम टाइम्स ऐसे होता है कि जब भी कंज्यूमर या कस्टमर आता है प्रोडक्ट को, लेट सपोज कोई उसने प्रोडक्ट देखी है या फिर वो सर्च करके आपके प्रोडक्ट तक पहुँचा है, तो जब आपके एड्स चल रहे होंगे तो उस पर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। जैसे ये स्पॉन्सर्ड ये वाला टैग साथ लगा हुआ होगा, बिल्कुल ये अटैच होगा। बट ये होगा कि आपको वो जो आपके प्रोडक्ट है वो आपको ना विजिबिलिटी बहुत अच्छी उसकी आएगी, वो बिल्कुल फर्स्ट पेज पे या टॉप 10, 20, 30 पोजीशंस पे वो रैंक करी होगी। तो आपको पता है कि क्योंकि कस्टमर्स का एक अटेंशन स्पैन होता है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो कम होता है, मैक्स टू मैक्स भी अगर कोई कस्टमर है वो कितना स्क्रॉल करता है पेज को, हाफ पेज तक जाता है, ठीक है। तो जब स्पॉन्सर ऐड चल रहे होते हैं तो आपके प्रोडक्ट एक अच्छी प्लेस पे रैंक कर रही होती है और उसकी विजिबिलिटी टॉप पोजिशंस में होती है, तो वहाँ पर प्रोडक्ट को कस्टमर ले लेते हैं, परचेज करते हैं, तो ये कन्वर्जेंस रेट बढ़ता है स्पॉन्सर लिस्टिंग से। तो ये भी फैसिलिटी उन्हीं लोगों को मिलती है जो प्रोफेशनल सेलर अकाउंट के अंडर रजिस्टर होते हैं। और कुछ और भी डिफरेंट एडवांटेजेस हैं सेलर अकाउंट, प्रोफेशनल सेलर अकाउंट के, कि मैनेज इन्वेंट्री थ्रू फीड्स, स्प्रेडशीट्स एंड रिपोर्ट्स, एंड आप बल्क लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं इन्वेंट्री फाइल्स के थ्रू। फिर एपीआई इंटीग्रेशन के थ्रू जो है वो आपकी सेलिंग एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, और बल्क लिस्टिंग ये सब क्रिएट कर सकते हैं, शिपिंग फ़ी वगैरह आप सेट कर सकते हैं अपनी, और आप परमिशन दे सकते हैं ना दूसरे अपने यूज़र्स को कि वो अकाउंट प्रिविलेज आप दे सकते हैं अदर यूज़र्स को। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो, और फैसिलिटीज एंड फीचर्स एंड एडवांटेजेस हैं जो अमेज़ॉन प्रोफेशनल सेलर अकाउंट्स को मिलते हैं। अच्छा, अब देखें कि मैंने एक सेलिंग प्लान फीचर्स की एक लिस्ट बनाई है, एंड देन प्रोफेशनल इंडिविजुअल अकाउंट को आप देख सकते हैं। जैसा कि दोनों में कॉमन तो ये होता है कि न्यू प्रोडक्ट्स को अमेज़न कैटलॉग में ऐड कर सकते हैं दोनों सेलर्स, और दोनों FBM की फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं, FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ये उनकी अपनी चॉइस होती है कि वो FBM करना चाहते हैं या FBA करना चाहते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। तो ये दो चीज़ें तो इनकी कॉमन होती हैं, बट अगर हम और डिटेल में इनको देखा जाए, जैसे बल्क लिस्टिंग क्रिएशन होती है वो क्रिएट करना होता है, या फिर इंडिविजुअल एडिशनल कैटेगरीज में सेल करना होता है कुछ कैटेगरीज, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एडिशनल कैटेगरीज 10 बोनस कैटेगरीज होती हैं जहाँ पे प्रोफेशनल सेलर अकाउंट्स को एक्सेस होती है, वो सेल कर सकते हैं, बट इंडिविजुअल सेलर अकाउंट डोंट हैव द एक्सेस टू सेल इन दो स्पेसिफिक कैटेगरीज। फिर आप टॉप प्लेसमेंट्स के लिए क्वालिफाई करते हैं, यानी कि यू कैन रन द पीपीसी एड्स एंड सेट योर शिपिंग फ़ी, और एपीआई इंटीग्रेशन के थ्रू एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, सेलिंग एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, बायर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं आप थ्रू एडवर्टाइजिंग टूल्स, यानी कि स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग्स, प्रमोशंस को रन करते हैं, मल्टीपल यूज़र को एक्सेस दे सकते हैं अपने अकाउंट की। तो ये प्रोफेशनल सेलर अकाउंट को ये सारे एडवांटेजेस हासिल होते हैं, वो उसको ये सब उसके फीचर्स उसके पास ज़्यादा होते हैं, बट ऑप्शंस जो है वो इंडिविजुअल सेलर अकाउंट के पास बहुत कम होते हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि कौन सा प्लान बेस्ट है और कौन सा प्लान किस टाइप के सेलर को चूज़ करना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल सेलर अकाउंट के लोगों को चूज़ करना चाहिए, तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि जो बिल्कुल अभी बिगिनर लेवल पे हैं, बिल्कुल भी स्टार्ट कर रहे हैं अपना अमेज़ॉन का बिज़नेस, और अभी वो एक लर्निंग फेज़ में हैं, तो उनको यही रिकमेंड करूँगी मैं कि आपको
इंडिविजुअल सेलर अकाउंट के अंडर फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि उससे यह है कि आप थोड़ा सा अमेजोन के डैशबोर्ड से भी आपकी नो हाउ हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है क्या क्या इसमें फंक्शनैलिटीज़ हैं, कहाँ पे क्या काम होता है, आप उससे भी फेमिलियर हो जाओगे। देन आपको जो मंथली फ़ी एक सब्सक्रिप्शन फ़ी होती है विच इज़ $40 $39.99 वो भी पे करने नहीं पड़ेंगे, एंड यू डोंट इवन नीड टू क्रिएट एनी लाइबिलिटी कंपनी LLC और LTD, तो उस चीज़ का भी झंझट नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक बिगिनर लेवल की और उन लोगों के लिए जो भी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना चाहते हैं और फेमिलियर होना चाहते हैं अमेजोन के इंटरफेस से, तो दे शुड गो फॉर अमेजोन सेलर अकाउंट। एंड अब हम बात कर लेते हैं कि प्रोफेशनल सेलर अकाउंट किन लोगों को या किन सेलर्स के लिए सूटेबल है। तो इफ़ अ पर्सन हैव एन एम और गोल कि उसने अचीव करनी है, एक मैक्सिमम सेल अचीव करना है और अपने अकाउंट को एक लॉन्गर रन में एज अ ब्रांड भी वो चाहता है कि मैं रजिस्टर करूँ, ब्रांड रजिस्टर करूँ मैं और अपने ब्रांड को बिल्ड करूँ मैं, ठीक है, और उसको फिर मैं अपना एसेट बनाऊँ तो और उसके थ्रू मैं मैक्सिमम सेल्स को अचीव करूँ लॉन्गर रन में, वो अगर अपने बिजनेस को देखता है देन ही शुड ऑप्ट फॉर प्रोफेशनल सेलर अकाउंट जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी उसको मिलती हैं। जस्ट ये है कि उसको एक मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी पे करनी पड़ती है, बट इन रिटर्न उसको बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ मिल रही होती हैं जो उसकी ग्रोथ में, उसके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्पफुल होती हैं। एंड द लॉन्गर रन जब वो उसका ब्रांड एक बिल्ड हो जाता है तो वो उसका एक एसेट बन जाता है। तो ये दोनों का डिफरेंस था और किन सेलर्स के लिए प्रोफेशनल अकाउंट बेस्ट ऑप्शन है और किन सेलर्स के लिए इंडिविजुअल अकाउंट बेस्ट ऑप्शन है, दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिए। इन केस कि आपको कोई भी क्यूरी होती है यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन कमेंट सेक्शन।